So hello guys, welcome back to our channel. So today we are doing the unboxing of our first vlogging setup. So we have got the Yulanji MT11 tripod and also we have bought the Boya BY-MM1 mic. So first we are doing the unboxing of the MT11 Yulanji tripod. Unboxing कर दी है MT11 Yulanji tripod की. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हमें एक मिलता है 360 रोटेटिंग एंगल जो आप यहाँ से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं. ये इसलिए दिया जाता है कि आप कोई भी एंगल में इसको शूट कर सकते हैं. यू कैन यूज़ इट इन पोर्ट्रेट मोड, यू कैन यूज़ इट इन लैंडस्केप मोड एंड ये 360 रोटेटिंग होने की वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है व्लॉगर्स को शूट करना इसमें. सो इवन दिस बॉल, अगर ये बॉल ख़राब भी हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं. ये यहाँ से ओपन भी होता है. सो दिस वे यू कैन ओपन इट. इसमें एक बॉल भी दिया होता है जहाँ से आप सेंटर पता होता है आपको कि कैमरा आपका प्रॉपरली एंगल में है कि नहीं. अगर ये टिल्टेड होगा तो ये बॉल का जो पोजीशन है वो चेंज होता है. तो इसको हमेशा सेंटर में होना चाहिए, उससे आपका एंगल परफेक्टली दिखेगा. सो देन यू कैन ओपन दिस ट्राइपॉड फ्रॉम हियर. ये ऐसे ओपन हो जाता है. ये आपका कोल्ड शू माउंट है जहाँ पे आप अपना माइक सेटअप कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं माइक. ये हर ट्राइपॉड में नहीं मिलता है, ये आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है, लेकिन इस ट्राइपॉड में इनबिल्ट आपको दिया गया है. सो इस तरह आपका ब्लॉगिंग का जो ट्राइपॉड है दिखेगा. यहाँ पे आप फ़ोन माउंट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे माउंट करते हैं. सो जैसे कि ये माइक के लिए हमें कोल्ड शू माउंट ऑलरेडी दिया गया है ट्राइपॉड में. सो ये माइक डायरेक्टली अटैच हो जाता है लाइक दिस और आप यूज़ कर सकते हो इसको डायरेक्टली. सो सेकेंडली वी आर गोइंग टू अनबॉक्स दिस बोया BY-MM1 माइक. ये माइक बहुत ही फेमस है ब्लॉगिंग सेटअप के लिए एंड दिस इज़ वेरी रीजनेबल प्राइस एट Amazon. वी हैव बॉट दिस सिंस 1450 समथिंग. सो नाउ वी आर अनबॉक्सिंग आवर माइक. सो लेट्स सी इसमें क्या क्या आता है. ओके सो ये है हमारा माइक विद डेड कैट. ये इस पर पहले से ही अटैच है. आई विल शो यू माइक कैसा दिखता है. सो ये है हमारा बोया MM1 माइक और ये है उसके साथ दिया हुआ डेड कैट. आई एम वेरी ग्लैड कि इसमें डेड कैट दिया हुआ है, नहीं तो आपको डेड कैट आफ्टर मार्केट परचेस करना पड़ता है. इसमें पहले ही इंक्लूडेड है. डेड कैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कैंसलिंग द विंड नॉइस जो आपको आता है वाइल शूटिंग द ब्लॉग या कोई भी आप वीडियो लेते हो उसमें जो भी विंड ब्लास्ट आता है वो ये उसको पूरा ही कैंसिल कर देता है वो साउंड को. इसमें आपको कोई बैटरी यूज़ करने की प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई चार्ज नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है डिवाइस. इसके साथ हमें दिया हुआ गया है एक कॉर 3.5 mm जैक वाला केबल. दिस इज़ बेसिकली यूज़ फॉर DSLR. जो भी DSLR यूज़ करते हैं उनको ये माइक उसके साथ अटैच करना है, तो ये वाला जो कॉर्ड है ये वाली केबल उसमें यूज़ होती है. इसके बाद हमें दिया गया है इसका स्टैंड जिस पे ये माइक सेटअप होता है. ये डायरेक्टली आप कभी कभी माइक अटैच कर देते हो आपके व्लॉगिंग सेटअप में तो माइक हिलता है, जिसकी वजह से वो माइक हिलने की वजह से आपकी साउंड प्रॉपर नहीं आ सकती है. और इसके साथ हमें दिया गया है एक 3.5 mm जैक जो आपको मोबाइल में कनेक्ट होगा डायरेक्टली फ्रॉम माइक टू मोबाइल. सो बहुत लोगों के पास आईफोन होगा जो आईफोन से शूट करते हैं, तो इसके लिए जैसे आईफोन में 3.5 mm जैक नहीं होता है तो उसमें आपको एक 3.5 mm टू लाइटनिंग कनेक्टर वाला एक केबल लेनी होगी जो कि ये डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर सकते हो आप और दिस पार्ट विल डायरेक्टली गो टू द आईफोन. 5 minutes later. सो हमने अपना फ़ोन भी इसमें अटैच कर लिया है विथ माइक. आप देख सकते हैं अभी ये ब्लॉगिंग सेटअप कैसा लग रहा है. इट्स वेरी इजी टू होल्ड, बहुत ही लाइट वेट है ये ट्राइपॉड. सो विद दिस वी कंप्लीट द अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ आवर बोया MM1 माइक एंड द Yulanji ट्राइपॉड. होप यू गाइस लाइक दिस अनबॉक्सिंग वीडियो. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.